नमस्कार, आप सब अच्छे होंगे आई होप, और घर पर हैं, सुरक्षित हैं। मायसेल्फ डॉक्टर नेहा जैन, चिरपरिचित नाम है अभी आपके लिए। आज अपने इस वीडियो लेक्चर में हम दारिद्र्य के विखंडन की अवधारणा को आगे बढ़ाते हुए अपनी इस विखंडन की अवधारणा में दारिद्र्य भेद डिफरेंस की एक अवधारणा देते हैं और भाषा की भी व्याख्या करते हैं। आज उस पर यहाँ चर्चा करेंगे। इस चर्चा में कुछ पुरानी अवधारणाओं पर भी हम बात करेंगे, जिन पर हम पहले भी आपको वीडियोस के माध्यम से बता चुके हैं, जैसे विखंडन, तत्वमीमांसा, क्योंकि इन सब चर्चाओं के बिना दारिद्र्य को समझना थोड़ा सा कठिन होगा। हम शब्दों पर ध्यान दें, और अगर हम एक बार वो कंसेप्ट दारिद्र्य के समझ में आ जाते हैं, शब्द अच्छे से समझ में आ जाते हैं, तो सिद्धांत समझना बहुत, जो भी उनका विमर्श है विखंडन का, उसे समझना हमारे लिए बहुत आसान होता है। उत्तर आधुनिकता या उत्तर संरचनावाद की कोई भी चर्चा दारिद्र्य के बिना अधूरी है। मूलतः दर्शन शास्त्री यहूदी परिवार में दारिद्र्य का जन्म होता है। 1930 से 2004 इनका लाइफ टाइम रहा है। दारिद्र्य की प्रमुख कृतियाँ पहले भी बात किए, ऑफ ग्रामेटोलॉजी, राइटिंग एंड डिफरेंस, पोजिशंस, स्पीच एंड फेनोमिना एंड अदर एसेस, कुछ इनकी पुस्तकें हैं। मूल रूप से फ्रेंच भाषा में लिखा है, कुछ पुस्तकों को अंग्रेजी में अनुवादित ट्रांसलेटेड किया गया है। विखंडन की अवधारणा, जो हमने अपने पहले लेक्चर में बात कर चुके हैं इन पे, कि दारिद्र्य के विखंडन की अवधारणा भेद पर आधारित है। भेद एक तर्क है, लॉजिक। इसका संबंध शब्द LOGOS, लॉगस से है। इसीलिए दर्शन के शब्द केंद्रित अर्थात लॉगोस्ट्रिक विवेचन को दारिद्र्य अस्वीकार करते हैं। जो लॉगोसेंट्रिज्म शब्द दारिद्र्य ने यहाँ पे अपने इस विखंडन की अवधारणा में प्रयोग किया, मैं अपने स्टूडेंट्स को, अपने व्यूअर्स को उसके बारे में भी थोड़ा सा बताना चाहूँगी, क्योंकि लॉगोसेंट्रिज्म की जो अवधारणा है वो फिलॉसफी में रही है, और वो शब्द कैसे आया, उसे हम मॉडर्न जब समाजशास्त्र में इसकी बात करते हैं तो उसे डेरिडेन टर्म में बात करते हैं, क्योंकि दारिद्र्य ने ही इस शब्द का समाजशास्त्र में प्रयोग किया है। लॉगोसेंट्रिज्म 19 के शुरुआती दिनों में, 1900 के शुरुआती दिनों में जर्मन दार्शनिक लुडविग क्लॉस द्वारा गढ़ा गया एक शब्द था। लॉगोसेंट्रिज्म इज अ टर्म क्वाइंड बाय द जर्मन फिलोसोफर क्लॉस इन द अर्ली 90s। यह पश्चिमी विज्ञान और दर्शन की उस परंपरा को संदर्भित करता है जो शब्दों और भाषा को बाहरी वास्तविकता की मौलिक अभिव्यक्ति के रूप में मानता है, कि अगर हमें एक्सटर्नल रियलिटी को जानना है, तो मेन फंडामेंटल अगर हमें जानना है, तो इसके लिए हमें भाषा और शब्दों पर ध्यान देना होगा। दारिद्र्य इसका विखंडन करते हैं, और जो दारिद्र्य का विखंडन का सिद्धांत है वह प्रमुखता इसी शब्द केंद्रित लोगोसेंट्रिज्म का ही विखंडन है। दारिद्र्य का पूरा विखंडन सिद्धांत एक तरह से जो प्लेटो के समय से चला आ रहा था शब्द केंद्रवाद, उसी के प्रति उनका विद्रोही स्वर है। क्या सही है अर्थात सत्यम शिवम सुंदरम, इन्हें उद्घटित करने हेतु विचारों की एक सार्वभौमिक प्रणाली, सत्य को जानने के लिए विचारों की एक जो सार्वभौमिक प्रणाली है, उसे ही उस लोगोसेंट्रिज्म कहा गया है। इस धारणा का पश्चिमी सामाजिक दर्शन में वर्चस्व रहा है। दारिद्र्य ने इसे प्लेटो के समय से लेखन का ऐतिहासिक दमन और निरोध भी कहा है, कि इसके कारण जो दर्शन पर भी इसका प्रभाव पड़ा, नकारात्मक प्रभाव पड़ा, दारिद्र्य मानते हैं, और समाज व्यवस्था पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ा है, और इसी से मुक्ति, लोगोसेंट्रिज्म की जो बात है, दारिद्र्य इसी से मुक्ति चाहते हैं, और यही उनके विखंडन का मुख्य मुद्दा है। तो ये शब्द क्योंकि दारिद्र्य ने प्रयोग किया था, इसलिए मैं आप सबको कि जब आप किताबों को पढ़ते हैं तो लोगोसेंट्रिज्म या लोगोसेंट्रिक वर्ड आता है तो उसका अर्थ भी जानना आपके लिए ज़रूरी था। हम पुनः अपने उसी विषय पर आते हैं कि दारिद्र्य
का जो विखंडन है वह भेद पर आधारित है। दारिदा फर्डिनेंड सोसोरस से भी प्रभावित थे और शोशोरो ने भी इसी भाषा के संदर्भ में चर्चा की है, भाषा की व्याख्या की है। तत्त्वमीमांसा जो हम बार बार प्रयोग करते हैं एक शब्द की, दारिदा तत्त्वमीमांसा का विरोध करते हैं, वह तत्त्वमीमांसा भी क्या है इसको भी हम संक्षेप में जान लें। पश्चिमी दर्शन की वह शाखा जो कुछ प्रश्न हमारे सामने हमारे समक्ष प्रस्तुत करती है, समाज की यथार्थता, सामाजिक संरचना की यथार्थता, क्या सत्य है इसको जानने के लिए, और इसको जानने के लिए वह जिस तत्त्वमीमांसा का दारिदा विरोध करते हैं, क्योंकि वह भाषा और व्याकरण को अपने इस संदर्भ में नहीं लेती है। तत्त्वमीमांसा इसका प्रारंभ हम देखते हैं कि तत्त्वमीमांसा का प्रारंभ यूनान से हुआ और 17वीं शताब्दी में यूरोप में इसका विकास हुआ। डेकार्टे, स्पिनोजा, लेबनीज ये सभी प्रमुख दर्शन शास्त्री हैं जो तत्त्वमीमांसा के समर्थक रहे हैं। वहीं पश्चिमी दर्शन में कांट, हामू, वर्कले वो दर्शन शास्त्री हैं जो इस तत्त्वमीमांसा को संदेह की दृष्टि से देखते हैं, सस्पेक्शन उनको नजर आता है, और इन्हीं से प्रभावित होकर दारिदा भी मानते हैं कि तत्त्वमीमांसा में जिस आधार पर वास्तविकता की खोज की जा रही है वह सही नहीं है। प्रतिदिन काम आने वाले शब्दों को उठाकर यथार्थता की व्याख्या करना प्रारंभ किया। कांट, हामू, वर्कले जो तत्त्वमीमांसा के विरोधी थे, विरोधी दार्शनिकों में रहे हैं, वो कहते हैं कि प्रतिदिन की जो वास्तविक जीवन में व्यक्ति जी रहा है और शब्दों का जो प्रयोग कर रहा है उनकी उसके माध्यम से यथार्थता को जानने का प्रयास करना चाहिए, और यहीं से दारिदा के विखंडन की अवधारणा का प्रारंभ होता है। विखंडन की अवधारणा को हम समझ चुके हैं, हम यहाँ भेद की बात करेंगे। दारिदा के विखंडन की अवधारणा में भेद, डिफरेंस एक कुंजी है, की है, की कंसेप्ट है, और यहाँ दारिदा विखंडन को की जो भेद की धारणा है वह तर्क पर आधारित है, और इस में दो अर्थ निहित हैं। पहला वह कहते हैं मतभेद, जिसे कहा डिफर, DIFFER, और दूसरा है स्थगित होना, डेफर, DEFER। बहुत थोड़ा सा अंतर है इन दोनों में। या तो दारिदा कहते हैं हम किसी चीज़ से मतभेद रखते हैं या हम किसी चीज़ को स्थगित करते हैं। मतभेद और स्थगित करना ही क्या है, विखंडन है। अपने विखंडन विमर्श में दारिदा भेद की अवधारणा को रखते हैं और कहते हैं कि भेद का भी एक स्वरूप है। दारिदा भाषा की भी व्याख्या करते हैं और भाषा की व्याख्या में दारिदा राइटिंग की बात करते हैं, भाषा की अपेक्षा लेखन को महत्व देते हैं अपने सिद्धांत में, जो भाषा का ही एक रेखा चित्र है। लेखन क्या है, भाषा का ही एक ग्राफिक रूप है, कुछ संकेतों के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से जो लिखा गया उसे हम भाषा कहते हैं। लिखने से हमारी स्मरण शक्ति भी बढ़ी रहती है और हम भविष्य में भी उसको पढ़ सकते हैं, कुछ चीज़ों को याद रखते हैं। सब कुछ होने के बाद भी दारिदा कहते हैं कि लेखन सेकेंडरी है और प्राइमरी, प्राथमिक या इम्पोर्टेंस किसकी है, वाणी की, स्पीच, वाक की बात करते हैं, स्पीच मतलब स्पीच प्राथमिक है और लेखन द्वितीयक है। मूल रूप से जिसे हम स्पीच कहते हैं, वाणी कहते हैं, वो क्या है, फोनेटिक है, ध्वनिक है और ध्वनि विज्ञान से जुड़ी है। दारिदा के अनुसार हमारे विचारों के जो अधिक निकट है वो वाणी होती है। इसका मुख्य जुड़ाव हमारे संवेगों और मनोवृत्तियों से होता है। सबसे पहले जिस भी जो भी वाक्य या स्पीच या शब्द जो भी कुछ निकलता है वह हमारी वाणी है, फोनेटिक। एक छोटा सा बच्चा आ, ई, मा जो भी कह रहा है ये फोनेटिक है। इस तरह वाणी प्राथमिक और मौलिक है, और इस संदर्भ में जो कुछ हम लिखते हैं वह हमारा द्वितीयक होता है। ओरिजिनलिटी में कोई ऐसा शब्द होगा जो मुंह से निकलता है, लेकिन लिखने में हम कोई भी शब्द लिख सकते हैं और शब्दों के अनेक अर्थ भी होते हैं।
दारिद्रता का तर्क है कि लिखने और बोलने अर्थात वाणी के अंतर को शोसुरा ने भी बहुत विस्तृत तरीके से रखा है। और दारिद्रता के अनुसार लिखने बोलने के इस अंतर को स्थगित कर पाना भी बहुत कठिन है। हम मन इसके लिए कभी भी हम स्थगित इसको कर ही नहीं सकते कि लिखना और बोलना अलग अलग हैं दोनों चीज़ें। फिर भी भेद की इस अवधारणा में जो अपनी डिफरेंस की कंसेप्ट उन्होंने दिया, भेद की इस अवधारणा को वे अपने सामाजिक क्षेत्र में लागू करने का प्रयास करते हैं। और दारिद्रता कहते हैं कि भेद का अर्थ वास्तव में तत्व मीमांसा से है। भेद का अर्थ वास्तव में तत्व मीमांसा से है और उसमें भाषा की बहुत बड़ी भूमिका है। इसीलिए सोसोरे और संरचनावाद, सोसोरे के भाषावाद और संरचनावाद को मिलाकर उन्होंने 1968 में इस अवधारणा को दिया था। सोसोरे भी इस तथ्य को मानते हैं कि सामान्य रूप में भाषा भेद की व्यवस्था के से ही समझी जा सकती है। भाषा को भेद की व्यवस्था से ही समझा जा सकता है और भाषा द्वारा पैदा किए गए भेद, भाषा ने जो भेद को पैदा किया है, सोसोरे कहते हैं कि आम आदमी भी इसकी चर्चा करता है। उदाहरण के लिए हम एक ए व्यक्ति को लें और बी को लें, या हम सोहन मोहन या कोई भी आप नाम लें, हम कहें कि ए में वो क्वालिटी है जो बी में नहीं है, या ए बी से ज़्यादा अच्छा है, तो यहाँ हमने एक भेद किया। अर्थात उसका एक दूसरा अर्थ ये भी आया कि जो ए के पास है वो बी के पास नहीं है। हम लक्षणों के रूप में हम ऐसे कई चीज़ों को, जैसे मैं आपसे कहूँ कि मैं ईमानदार हूँ, इसमें एक दूसरा अर्थ ये भी छिपा है कि क्या अन्य ईमानदार नहीं है। हम इस भाषा के माध्यम से लक्षणों की भी बात कर सकते हैं। ईमानदारी इसका मतलब एक अच्छा लक्षण है, समाज में स्वीकृत है कि ईमानदारी होना चाहिए, और जो ऐसा नहीं है वह गलत है। तो ये जो भाषा है वह भेद पर आधारित है। वे कहते हैं कि दर्शन शास्त्र के संदर्भ में भेद का अर्थ मतभेद। दारिद्रता कहते हैं कि जब हम दर्शन शास्त्र के संदर्भ में भेद की बात करें, दारिद्रता आम लोगों की भेद की बात को नहीं मान रहे हैं, दर्शन शास्त्र के संदर्भ में जब हम भेद की बात करते हैं तो वह भेद मतभेद और स्थगित, डिफर और डेफर, इन दोनों पर आधारित है। या तो हम किसी चीज़ को स्थगित करते हैं या हम उसमें मतभेद रखते हैं, और यही विखंडन है। भेद का अंतर भी उन्होंने कहा कि लिखने के साथ उसको जोड़ा है लेखन में। और दारिद्रता ने कहा कि जैसे लिखना, उन्होंने माना कि लिखना क्या है, सेकेंडरी है, प्राइमरी हमारा क्या है, वाणी है। क्योंकि लेखन में अशुद्धियां आ जाती हैं, वाणी प्योर होती है, स्पीच प्योर होती है बोला, लेकिन जब हम लिखते हैं तो उसमें अशुद्धियाँ आ जाती हैं। और पाठक, जो विखंडन में भी उन्होंने बताया था कि पाठक भी उसके कई अर्थ लगाता है, तो बहुत सारे उसके अर्थ निकल के आते हैं। अब ये भाषा के अर्थ की भी समस्या को उठाते हैं। भाषा के अर्थ यानी भाषा में जो अर्थ होते हैं वो कैसे अलग अलग हो जाते हैं। जो दारिद्रता कहते हैं जो किसी घटना को बता रहा है वो एक तरह से सिग्निफायर है, संकेतक है, जो बता रहा है। वह जिस शब्द या भाषा को काम में लेता है उसके अनेक अर्थ होते हैं। सिग्निफायर लेखक भी लिख के बता रहा है, वह जिस अर्थ और जिस भाषा का प्रयोग कर रहा है उसके भी कई अर्थ होते हैं, जो व्यक्ति के समक्ष चयन की एक वैकल्पिक व्यवस्था प्रस्तुत करते हैं। दारिद्रता ने इसे ही उत्तर संरचनावाद का नाम दिया। दारिद्रता मानते हैं कि भाषा का अर्थ किसी मूर्त वास्तविकता या सत्य में नहीं खोजा जा सकता है। भाषा का अर्थ किसी मूल वास्तविकता या सत्य में नहीं खोजा जा सकता है, अपितु यह अर्थ केवल हमें भाषा के संदर्भ में ही खोजना होगा, जिसकी रचना सामाजिक रूप से होती है। भाषा और लेखन में, भाषा यानी स्पीच और लेखन में भी द्वंद्व है। हम चाहे वो प्रकृति के संदर्भ में देखें, द्वंद्व की बात आती है, हम समाज के संदर्भ के लेखों में देखें तो ड्वेलिटी की बात हमें द्वंद्व एक दिखाई देता है। जैसे हमने एक शब्द का पुरुषत्व, पुरुषत्व, स्त्रीत्व, पुरुषोचित, स्त्रियोचित, ये सारे शब्द भाषा में जो आए हैं ये क्या है, हमें दो विपरीत चीज़ों के बारे में भी बता रहे हैं। और ये कहाँ से, ये समाज से आए हैं। भाषा में
कि जब हम अर्थ की बात करते हैं भेद में, तो अर्थ कितने, कई अर्थ होते हैं। जैसे मुख्य अर्थ, मुख्य अर्थ में अगर हम कहते हैं कि ये सफ़ेद है, ठीक है, ये सफ़ेद है, ये आपका मुख्य अर्थ है। आपने कोई चीज़ को कहा कि सफ़ेद है, ये मुख्य अर्थ हो गया कि ये चीज़ वाइट है, ये सफ़ेद है। भिन्न अर्थ उसका क्या निकल रहा कि ये सफ़ेद है अर्थात और भी रंग होते हैं। भिन्न अर्थ क्या निकला, ये सफ़ेद है, कुछ काला भी होगा, कुछ अन्य भी रंग होंगे, ये सफ़ेद है। स्थगित अर्थ में यानी हम किसी चीज़ को मना कर रहे हैं, मैं मान रही हूँ कि ये सफ़ेद नहीं है, ये कैसा अर्थ हो गया। उसी एक वाक्य में आप देखिए कि कितने तरह के अर्थ, स्थगित अर्थ हो गया। और एक संस्कार अर्थ होता है, वही कहते हैं संस्कार अर्थ का मतलब होता है जो अर्थ हम अपने संस्कारों में ले रहे हैं। अगर हम संस्कारों में देखें हाँ ये सफ़ेद है, और संस्कारों में सफ़ेद को हम एक शांति का, पवित्रता का रंग मानते हैं, प्योर, तो हम उसका एक अर्थ हाँ ये चीज़ सफ़ेद है, बड़ी प्योर है। समाजशास्त्र के आप विद्यार्थी रहे हैं, हमारे यहाँ क्राइम को व्हाइट कॉलर क्राइम क्यों आया, श्वेत वसन से व्हाइट कॉलर क्यों, क्योंकि सफ़ेद को हमने क्या माना था वहाँ, प्योर, कि उसमें अगर कोई भी दाग लग रहा है तो गलत है। तो ये जो, तो ये किस तरह के अर्थ हैं, यानी भाषा के अर्थ में भी वह कहते हैं मुख्य अर्थ है, भिन्न अर्थ है, संस्कार अर्थ है, संस्कारों से जुड़ा हुआ भी, और स्थगित अर्थ है। विखंडन की विधि सबसे पहले किसी भी मूल पाठ के द्विभाषी विपरीतता, किसी भी मूल पाठ में द्विभाषी विपरीतता, जैसे अगर हम दर्शन में ही ले लें तो हम प्रकृति की भी बात करते हैं और पुरुष की भी बात करते हैं, अगर हम समाज में देखें तो स्त्री पुरुष की बात करते हैं, अगर हम प्रजातीय संदर्भ में देखें तो हम काले गोरे की, तो ये जो विपरीतता द्विविपरीतता है हमारा ध्यान केंद्रित करती है। विखंडन की अवधारणा में सबसे पहला ध्यान किस पर जाता है, इसी पर जाता है, वाइनरी। बाद में हम ये देखते हैं कि ये कैसे आपस में एक दूसरे के विरोधी हैं और कैसे आपस में एक दूसरे के साथ संबंधित हैं, ये विखंडन की अवधारणा में हम चर्चा करते हैं। विखंडन की अवधारणा आप लोग इसमें समझ चुके थे, और आज ये भेद जो था वो भाषा के माध्यम से क्या भेद है, इस लेक्चर में मैंने आपको समझाने का ये प्रयास किया है। संक्षेप में दारिदा के विखंडन के अवधारणा या विमर्श का प्रमुख मुख्य बिंदु भेद है। भेद में भी दारिदा दर्शन के अनुसार दो प्रकार के अर्थ कहते हैं, या तो किसी चीज़ में मतभेद होता है या स्थगित करना होता है। भाषा भी वह कहते हैं वाणी को प्राथमिक मानते हैं और लेखन की बात करते हैं दारिदा, लेखन को द्वितीयक मानते हैं। लेखन में अशुद्धता या इम्प्योरिटी की संभावनाएं होती हैं, क्योंकि ये लेखक के द्वारा लिखे गए हैं और वाणी हमारे मनोवृत्तियों और संवेगों से जुड़ी होती है। इस तरह आपने दारिदा को, दारिदा के विमर्श, विखंडन के विमर्श को, तर्क को, और एक जो शब्द उन्होंने लॉगोसेंट्रिज्म का प्रयोग किया यानी शब्द केंद्रवाद, जो पश्चिमी दर्शन की एक प्रमुख अवधारणा रही है, उसका ही दारिदा विखंडन करते हैं। आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा। तो इसी तरह सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, शेयर, लाइक, सो यू कैन गेट मोर वीडियोस, एंड ड्यूरिंग लॉकडाउन प्लीज़ स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।